अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काशनास आर्ट एंड कैलीग्राफी चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सन लाइट जो है राउंड शेप में पेंटिंग बनाएंगे, और उसकी जो है सर्कल होगी वो भी टेक्सचर आर्ट में है। बहुत ज़्यादा इसको ओलेक्स में भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था मेरी इस पेंटिंग को, तो उस वक्त मैंने पेपर में इसको आपको बना के दिखाया था, अपलोड की थी। यह वीडियो भी मैंने अपलोड की है लेकिन पेपर वर्क में किया था इसको। इस बार मैं आपको कन्वेंस पे करके दिखाऊंगी। आपने देखी होगी मेरी मून लाइट फ्लावर्स पेंटिंग है जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, वो मैंने पेपर में बनाया था। इस बार मैं आपको टेक्स्चर लुक में एंड कन्वेंस बोर्ड में बना के दिखाऊँगी। तो चलें सबसे पहले हम कन्वेंस को जो है वाटर लगा लेंगे। आज ये पेंट में आपको एक आइडिया, बहुत ही अच्छा सा टिप बताने वाली हूँ कि आप लोग अगर कहीं बाहर भी पेंटिंग करना चाहते हैं या फिर एडवाइस घर पे भी करना चाहते हैं, तो आप वाटर यानी 7 बोतल लेके मत चलें। ये स्प्रे बोतल है, ठीक है। इस स्प्रे बोतल से आप लोगों ने क्या करना है, कन्वेंस बोर्ड जो है इसको गीला कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको 7 अपने पानी लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह की बोतल आपको मिल जाएगी। ये जो बोतल है ये है रोज़ वाटर बोतल है। रोज़ वाटर बोतल आपको ईज़िली जो है 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी, किसी भी शॉप में मिल जाएगी, हर जगह शॉप में अवेलेबल होती है। इसमें आपने पानी भर लेना है। आप इसको कहीं भी लेके जाएँ, घर में भी इस्तेमाल करें, कहीं भी पेंटिंग में यूज़ कर रहे हैं तो आप ईजी इसको कर सकते हैं। इसको सबसे पहले आप लोगों ने जो ये कन्वेंस बोर्ड है इसको अच्छे से गीला कर लेना है इसी स्प्रे से, ठीक है। फिर आपने इसमें डायरेक्टली पेंट कोई भी पेंट यूज़ करेंगे तो पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमारी पेंटिंग फास्ट हो जाएगी इजी, ठीक है। ये अभी देखें, हाफ मैंने जो है इसको अच्छे से भिगो दिया था, यहाँ पर स्प्रे पहले ही किया था। अब मैं आपके सामने पूरा पानी से इसको स्प्रे करके दिखाती हूँ। इस तरह से फुल बोर्ड को जो है गीला कर लेना है स्प्रे के मदद से। फिर आपने पानी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट वाटर के आप लोग डायरेक्ट पेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं, और पेंट भी बहुत कम यूज़ होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, शो हो रहा है, अच्छे से मैंने पूरा कन्वेंस को गीला कर लिया है इसको ड्राई होने से पहले। अब आप जो भी इसमें पेंटिंग करना चाहते हैं इसको करें। ठीक है, अच्छे से इसको मैंने गीला कर लिया है। अब मून लाइट के लिए वाइट कलर लेंगे, वाइट पेंट ज़्यादा लेंगे और ब्लैक जो है उसकी क्वांटिटी। नॉर्मल क्वांटिटी लेंगे थोड़ी सी, क्योंकि इसका जो शेड है वो मून लाइट का ग्रे शेड होगा, उसके लिए हमें वाइट पेंट ज़्यादा और ब्लैक कम चाहिए, ठीक है। इस तरह का ग्रे शेड बना लेना है आपने। अगर ग्रे पेंट नहीं है तो आप ग्रे शेड खुद से जो है बना सकते हैं। ब्लैक कलर लेकर सबसे पहले करेक्शन कर लेना है। देखिए कितना इजी, कितना जो है स्मूथली ब्रश वर्क कर रहा है और पानी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। बीच में जहाँ पर मून आपने शो करना है वहाँ पर आपने
पेंट नहीं करना है इस जगह पे, जिस जगह पर भी आप डायरेक्शन में मून जो है शो करना चाहते हैं। मैं इस साइड मून शो करूँगी, उस डायरेक्शन को छोड़ेंगे, बाकी सब बैकग्राउंड कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने इस साइड मून शो करना है तो उसका आप लोगों ने सर्कल बना लेना है इसी जो है ब्रश के से। ये सर्कल बना दिया है, इतना मुझे मून का शेप चाहिए, ठीक है। तो इतना जो है हम ब्लैक इसका साइड बैकग्राउंड करेंगे, अंदर जो है वाइट करेंगे, बस ये बैकग्राउंड आपने ब्लैक करना है। इसको आप ब्लैक कर लें आप। ब्लैक बैकग्राउंड में मूनलाइट जो पेंटिंग है वो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आपको शो करके दिखाया जाए कन्वेंस बोर्ड में। काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है ये पेंटिंग। ठीक है, फर्स्ट लेयर लगाने के बाद, इसको ड्राई होने के बाद सेकंड लेयर लगाएंगे, तब जाके इसका लुक अच्छा आएगा। क्योंकि ये जो बोर्ड है ये विदाउट पेंट के था, जैसे कि मेरे सारे बोर्ड ही विदाउट पेंट के हैं। अगर पेंट के साथ लेंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा बोर्ड, क्योंकि उसमें वाइट पेंट हो के मतलब ऑलरेडी हुआ हुआ होगा। अब मैंने जो पेंट जो किया है इसमें, ये विदाउट पेंट का है, इसमें फर्स्ट लेयर के बाद सेकेंड लेयर लगेगा, उसमें सिर्फ फर्स्ट लेयर ही काफ़ी है। चलिए 5 मिनट वेट करते हैं, जैसे ड्राई होगा तो सेकंड लेयर लगाएंगे इसमें। कॉर्नर्स जो है वो अच्छे से डार्क ब्लैक शो होने चाहिए, बाकी जो है बैकग्राउंड है वो भले आपका ग्रे और वाइट शो हो।
सेकंड लेयर भी इसमें लग गई है। अब इसमें वाइट मिक्स करके मून की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब जो है अंदर ब्लैक करना है और साइड में इस तरह से, बीच में वाइट होगा। अच्छे से क्लीन करके पहले बिल्कुल वाइट उनको करें, फिर शेड्स भर के देंगे। इसके मून के शेड्स बना लें इस तरह से फैला के। जब अगर पेंट ड्राई हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे करें, ज़्यादा नहीं, कुछ मामूली सा स्प्रे करते जाएं। कि इसकी मिक्सिंग अच्छे से होनी चाहिए, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना ही बेटर लगेगा। अच्छा, ये मून अभी सही से वाइट नहीं शो हो रहा है क्योंकि इसने फर्स्ट लेयर लगाया और दूसरा ब्लैक के साथ मिक्स होने की वजह से इसमें जो है ब्रश में ऑलरेडी कलर है और सही से क्लियरली आपको शो नहीं हो रहा है। फर्स्ट लेयर जब ड्राई हो जाएगी तो सिर्फ अंदर ही मून में वाइट कलर देंगे तो अच्छे से ये वाइट जो है शो होगा। सेकेंड लेयर में कवरिंग अच्छी हो जाती है। Yeah.
को कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा लुक आ गया है, जैसा कि हमें चाहिए था। मून लाइट शर्ट्स बहुत अच्छे से आ गया है। अब ट्री बना लेंगे। ट्री के लिए हमें ब्लैक कलर चाहिए होगा। और ब्रश चाहिए हमें, ठीक है। ये जो है ब्रश साइज है। एकदम डार्क ब्लैक लें और यहाँ से टर्न करके ले जाएं, ठीक है। फर्स्ट लेयर यहाँ तक पहुँचानी है आपने। और ये ठीक है, ओके। अब दूसरी जो डाली बनानी है आपने, वो मून पे जानी चाहिए, ठीक है। इस साइड से लें, जितनी डंडी पतली बनेगी ना, उतना ही ट्री बेस्ट लगेगा। तो इसकी जो तो डाल है ना, वो पतली ही रखना है।
ड्राई हो गई है अच्छी खासी। जब ये ड्राई हो जाए तभी आप लोगों ने इसमें कोई भी काम करना है, ठीक है। चाहे वो बैकग्राउंड हो या उसके ऊपर आपने कोई भी चीज़ बनाई हुई हो, तो सबसे पहले क्या करना है उसमें, आपने उसको 5 मिनट देने हैं लाजमी। 5 मिनट के बाद ही आपने कोई भी वर्क करना है इसमें। अगर आप ड्राई होने का टाइम नहीं देंगे तो आप उसमें कोई और वर्क करेंगे, दूसरा दूसरी लेयर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, और फिर आपका हैंड भी लगेगा ना, तो उसमें ख़राब होते जाएगी, पेंटिंग में जगह जगह लग जाएगी। लेकिन 5 मिनट दे दिया करें ताकि वो ड्राई हो जाए, या तो फ़ैन चला लें, और भी इजली जल्दी जो है सूख जाएगी आपकी पेंटिंग। तो ये मेरी सूख गई है और मैंने इसमें ट्री भी बना लिया है, जो आपको बना के दिखाया ट्री शेप। अब करना क्या है, हमने इसमें शेडो देखना है। जो ये मून लाइट है इस पर पड़ रही है ट्री में, तो इसमें भी शेड्स आएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें शेड नहीं बनाएंगे तो इसका लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है कि लुक इसमें, ये इसका जो शेडो है, अगर शेडो ना पड़े तो ओरिजिनल लुक वाइज नहीं इसमें आएगा, और पेंटिंग जो है वो रियल नहीं लगेगी। रियलिस्टिक अगर आपको पेंटिंग में दिखानी है तो उसके शेड्स वगैरह, उसके जो मैंने आपको कहा कि इस तरह से शेड्स मिलाएं, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रश लूँगी, इसको हल्का सा स्प्रे करूँगी दोनों तरफ से, दिखें, और इस ब्रश को मैं क्लीन कर लूँगी किसी भी कपड़े की मदद से, फिर स्प्रे करूँगी ताकि इसका ब्लैक रंग अलग से हट जाए, और फिर इसको क्लीन कर दूँगी। वाइट कलर लेंगे, वाइट पेंट लेंगे, वाइट से इस पे शेडो बनाएंगे मून के। बिस्मिल्लाह, स्प्रे करें ताकि जो चीज़ ड्राई हो गई है वो आपकी वापस नॉर्मल आ जाए रेंज में, और मिक्सिंग के लिए वो परफेक्ट हो जाए। फिंगर की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करें। वेरी इम्पोर्टेंट, मिक्सिंग जो चीज़ है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है देखी जाए तो। ठीक है, आधे जो लाइन है ना वो आपने बारीक कर दी है। पेंट अगर कुछ ज़्यादा ड्राई है तो उसमें स्प्रे करें, और फिर इसे लें, फिर आपका जो ब्रश है वो काफ़ी स्मूथ वर्क करेगा, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से। शेड्स बनाते जाने हैं आपने, सारी ट्री में वाइट शेड्स दे देने, ठीक है। तो फाइनली मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। तो इस पेंटिंग का जो नाम है वो है मून लाइट नाइट, ठीक है। इसका जो टेक्सचर पेंट मैंने फ्लावर बनाया है वो पेंट के ऊपर है, एक्रेलिक पेंट टेक्सचर में मैंने इसका फ्लावर्स बनाए हैं। और ग्रीन जो है इससे आपने इस ब्रूश से ग्रीन लाइन यानी बीच की जो है फ्लावर्स की ये ग्रीन कलर के इसमें ठप्पे जो है टिप्स दे देनी है, इससे फ्लावर्स और भी खिल जाएंगे और भी प्यारे लगेंगे। तो आज की थी यही पेंटिंग मेरी जो है फाइन हो गई है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और उम्मीद है आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़।